जयप्रदा ने आजम खान के संस्कारों पर उठाए सवाल। यूपी के रामपुर में आजम खान द्वारा बजरंगबली को अली कहने पर भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा आजम खान पर बरसी। कहा, आजम खान के संस्कार ही ऐसे हैं, वो अल्लाह और भगवान पर सियासत करते हैं। उन्होंने मायावती को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुलायम सिंह को भी गाली दी है, वो ऐसे ही गालियां देते हैं, उनके संस्कार भी ऐसे हैं। आजम खान राजनीति में ला रहे हैं, बोला आजम खान ने बजरंग बली जो है अब अली है, मुस्लिम को जो है बताया गया है बजरंग बली जी को, क्या कहेंगे? देखिए वो सबको ऐसे ही कहते हैं कि वो बोलता रहा है, इसलिए वो कुछ भी तो आज सामने मत दिखाओ, ये बता दी कि वो किसी को नहीं छोड़ते, वो भगवान को नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह को नहीं छोड़ते हैं, और वो समझते हैं कि आप आपने देखा होगा कि आपने मायावती को वहाँ लगा दिया था, फिर मायावती के सपोर्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, नेताजी को आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गाली बनते हैं, तो इनकी आदत है, इनके संस्कार ऐसा है, वो जनता को एक कन्फ्यूजन करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि अगर मुसलमान मुझे वोट डालेंगे नहीं डालेंगे तो मैं भी उनका विकास नहीं करूंगी। वो अपने अपने विचार हैं, ये हमारे रामपुर से कोई मतलब नहीं, ये तो गंगा जमनी की तहजीब है, वो हर धर्म को हम लोगों को वोट की ज़रूरत है, उनको वोट देने पर भी उनको काम करने का हमारा फर्ज है।